हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोगों को आज दिखाऊंगा। एक लोकल टीवी है, लोकल टीवी का आज प्रॉब्लम एक दिखाऊंगा, उसका प्रॉब्लम भी सलूशन करके बताऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं ये 14 इंच का जो सीआरटी ट्यूब होता है, जो हमारा मॉनिटर ट्यूब का जो टीवी होता है सीआरटी ट्यूब, वो ट्यूब का एक टीवी है। जो टीवी का नाम आप लोग देख सकते हैं सेल्टन, वो टीवी का आज का सलूशन आप लोगों को फॉल्ट का सलूशन बताऊंगा। उसके पहले मेरा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको फॉल्ट बता देता हूँ। हमारा पावर इंडिकेटर जल गया है। इंडिकेटर जलने के बाद हमारा टीवी को जो चालू होना चाहिए वो चालू तो हो जाता है, लेकिन चालू होने के बाद जो हमारा मेन पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर हमारा सही नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं अप डाउन होके एक लाइन होके आ रहा है, मतलब दोस्तों ये वर्टिकल लाइन आ रहा है, मतलब ये हॉरिजेंटल सेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, इसका हॉरिजेंटल सेक्शन आज आप लोगों को बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। ठीक है, मैं टीवी को खोल लेता हूं, उसके बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद मैं टीवी पर लाइन दे दिया हूँ। लाइन देने के बाद मैं टीवी को चालू करके आप लोगों को कुछ वोल्टेज दिखा देता हूँ, जो हमारा मेन वोल्टेज होता है। ये जो हमारा पावर सेक्शन से एक मेन वोल्टेज निकलता है वो हमारा 28110 वोल्ट जो होता है वो वाला वोल्टेज है। और दूसरा जो वोल्टेज होता है जो हमारा वर्टिकल सेक्शन और हमारा जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कॉयल होता है वो वाला कॉयल को सप्लाई देने के लिए ये वाला वोल्टेज होता है हमारा 30 वोल्ट, जो दिखा रही है 27 से 30 वोल्ट तक होता है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए काम करता है, जो हमारा 8 वोल्ट 7 वोल्ट हमारा स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद तैयार होता है, वो हमारा 12 वोल्ट। वो 12 वोल्ट हमारा जाता है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट तैयार होने के बाद रेगुलेटर सिस्टम से हमारा आईसी से सप्लाई जाता है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा 14 वोल्ट होता है, जो 14 से 17-18 वोल्ट तक होता है, वो वाला वोल्टेज हमारा जाता है हमारा साउंड सेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरा साउंड सेक्शन और हमारा जो वोल्टेज हो गया। लेकिन दोस्तों इसका स्टार्टिंग होने के बाद जो हमारा स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद एक वोल्टेज तैयार होता है, वो वाला वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। एक वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद 5 वोल्ट तैयार करता है, और एक वोल्टेज तैयार होता है जो हमारा 8 वोल्ट होता है, जो हमारा आईके के लिए काम करता है, जो हमारा आईसी पे सप्लाई जाता है और आईके के लिए काम भी करता है। ठीक है, ये वाला तो वोल्टेज हमारा हो गया है। मतलब पीसी में सभी वोल्टेज जो हमारा होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा सही है, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे जो प्रॉब्लम आया है वर्टिकल बार हो गई, वो वाला प्रॉब्लम को मैं देखूँगा। जो हमारा ये नीला वाला जो वायर होता है, ये वाला नीला वाला वायर हमारा जो हमारा मेन जो हमारा पीसीबी से सप्लाई होता है, वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे आता है जो 128 दिखा रही है। उसके बाद ये रेड वाला जो हमारा वायर है, ये वाला वायर हमारा काम करता है हाई सिंक के लिए। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पे हाई सिंक नहीं हो रहा है, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ही हाई सिंक नहीं हो रहा है। और ये जो हमारा ईएसटी कैप है, ये वाला ईएसटी कैप, ये वाला ईएसटी कैप हमारा लीकेज हो रहा है। ये ईएसटी कैप भी हमारा ठीक करना पड़ेगा। उसके पहले मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर कुछ दिखा देता हूँ। जो दोस्तों हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का दोनों पिन होता है, जो हमारा फॉल्ट है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा आता है जो हमारा योक कॉइल काट जाने से भी होता है, और योक कॉइल ख़राब हो जाने से भी होता है, और हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ख़राब होने से भी हो सकता है। उसके लिए क्या करूँगा, ये वाला जो हमारा पिन है, ये वाला पिन और ये वाला पिन आप लोगों को दिखाऊंगा। जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पे एक कॉयल दिया गया है, एक कॉयल हमारा ख़राब हो जाने से ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस को भी चेक कर लूँगा, ये वाला जो हमारा कॉयल है ये वाला कॉयल को भी चेक कर लूँगा। और जो हमारा बूस्ट पीएफ जो होता है 400 वोल्ट और 1600 वोल्ट जो हमारा होता है, वो दोनों पीएफ को भी चेक करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सेक्शन जो सही होगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक चलेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिस्टम को पहले चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो हमारा एक कॉयल लगाया हुआ था, ये वाला कॉयल और ये वाला रेजिस्टेंस मैंने ओपन कर दिया हूँ। ओपन करके मैंने चेक किया है, वो वाला ख़राब हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, जो हमारा ये वाला जो बूस्ट पीएफ है वो हमारा जला और टूटा भी नहीं है।
इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला जो रेजिस्टर और मैंने कॉयल को ओपन किया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन के, वो वाला रेजिस्टर और कॉयल को नया वाला लगा लूँगा। लगाने के बाद मैं टीवी को चालू करूँगा। उसके पहले आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो हमारा कॉयल है, एक कॉयल हमारा जो हमारा वायर कनेक्टर होता है, कनेक्शन होता है, वो वहाँ पे हमारा रास्ट पढ़ के काट गया है। दोनों जो दो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट हमारा ओपन हो चुका है। और हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट भी आप लोग देख सकते हैं अंदर से जल गया है, मतलब ये दोनों ही ख़राब हो चुका है। और ये दोनों के बदले में मैं ये नया वाला कॉयल लगा लूँगा, ये वाला कॉयल लगा लूँगा और ये वाला रेजिस्टेंट के भी लगा लूँगा। रजिस्टर का नंबर आप लोग देख सकते हैं, शायद इसका नंबर है 1K, जो हमारा रजिस्टेंट है। ये रजिस्टेंट को भी कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट करके हम लोग पिक्चर देखेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे रजिस्टेंट और कॉयल को कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी पे लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम हाई हो जाएगा और हमारा टीवी चालू होना चाहिए। दोस्तों हमारा यहाँ पे कॉयल काम कर रहा है सही तरीके से और हमारा यहाँ पे हाई सिंक हो रहा है। और हमारा दोस्तों देख सकते हैं हमारा पिक्चर भी आ चुका है, मतलब दोस्तों हमारा जो टीवी का आज प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और हमारा टीवी पे जो लाइट नहीं था, हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम हो गया था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पिक्चर है, वो पिक्चर हमारा आ गया है ब्लू स्क्रीन पर। और हमारा जो सिस्टम का जो फॉल्ट था, जो हमारा वर्टिकल लाइन आ रहा था हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। और हमारा टीवी पे लिखा भी जो हमारा पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे भी लगा के आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। जो मैं जब देखा रहा ऐसे वाला वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अभी लगा कर आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को आगे साइड से घुमा लिया हूँ। घुमाने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा पिक्चर जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया था, वर्टिकल लाइन हो गया था, हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों जो इसका प्रॉब्लम निकला, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो कॉयल होता है, वो कॉयल और रेजिस्टेंट जो होता है, वो वाला रेजिस्टेंट हमारा ख़राब हो चुका था। ये वाला सेक्शन को चेंज करने से हमारा सिस्टम सही हो गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।